हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वाइल करने वाले हैं। वाइल, वाइल का मतलब होता है बिकॉज। वाइल का पहला रूल होता है, जो वर्ब आती है वो एंड में आती है, एंड दूसरा कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक दो सेंटेंसेस देती हूँ। लाइक इश लर्न डॉयच, मेरा इसका मतलब है मैं जर्मन सीखती हूँ। दूसरा इश विल नाक डॉयच लांट गेहन। अब यही सेंटेंस मुझे इसको वाइल के साथ कनेक्ट करना है तो कैसे बोलूंगी? इश लर्न डॉयच वाइल इश, अब जो ये विल है ये एंड में जाएगा, नाक डॉयचलैंड गेहन विल। तो मैंने क्या बताया था, जो वर्ब कम्स इन द एंड, जो रीजन है उसकी जो वर्ब होगी वो एंड में आएगी लाइक दिस, एंड वो भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। लाइक इश विल है तो विल ही एंड में जाएगा, वोलन नहीं जाएगा। तो इश लैंड डॉयच वाइल इश नाक डॉयचलैंड गेहन विल। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। इश ट्रिंक मिल्क, मतलब मैं दूध पीती हूँ। इश विल फिट ब्लाइबन, मैं फिट रहना चाहती हूँ। अब आपको इसको वाइल के साथ कनेक्ट करना है। इश ट्रिंक मिल्क वाइल इश फिट ब्लाइबन विल। जो ये वाला विल है वो एंड में आ गया, और जो वाइल है, वाइल के साथ जो ये वाला विल है वो एंड में आ गया, वो भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। तो क्या मतलब है, जो रीजन होता लाइक इश ट्रिंक मिल्क, दूसरा इश विल फिट ब्लाइबन, तो जो रीजन होता है वो हमेशा वाइल के साथ आता है, और उसके साथ जो वर्ब होती है वो एंड में आती है। वाइल इश फिट ब्लाइबन विल, जो ये वाली वर्ब थी वो एंड में आ गई। तो लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ट्राइव स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ। इश विल फिट ब्लाइबन, मैं फिट रहना चाहती हूँ। अब इसमें रीजन क्या है? रीजन ये है, भाई आप स्पोर्ट्स क्यों खेलते हो? क्योंकि मैं फिट रहना चाहती हूँ। ये तो नहीं बोल सकते ना, मैं फिट रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, नहीं हो सकता। इसलिए मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, दैट इज डिफरेंट थिंग। इस तरह में स्पोर्ट्स क्योंकि मैं फिट रहना चाहती हूँ, तो जो क्योंकि होता है वो वाइल होता है, और वो हमेशा रीजन के साथ आता है। तो मैं अब इसको वाइल के साथ कनेक्ट करती हूँ। इश ट्राइव स्पोर्ट्स वाइल इश फिट ब्लाइबन, एंड जो ये वर्ब है वो एंड में आएगी विल, दैट इज विल। ये वाला विल है वो एंड में आया, वाइल इश फिट ब्लाइबन विल। थैंक यू वेरी मच।